तो फेल गेम फैमिली अनचार्टेड 3 के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने इससे पहले के 4 एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो 4 एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें पहले एक बार चेकआउट कर लेना। तो लास्ट एपिसोड में विक्टर सलीवन को सिर्फ पता लग गया है कि लॉस्ट सिटी कहां पर है, और इसलिए गेम के अंदर एक नया विलेन आया जो कि पायरेट भी है। और पायरेट्स की आर्मी ने विक्टर को उठा लिया है क्योंकि उन लोगों को भी जानना है कि ये सोने से भरी हुई सिटी कहां पर है। तो आज का एपिसोड ना बहुत ही फाड़ू होने वाला है क्योंकि बिना किसी गन के और बिना किसी बैकअप के नेट यानी कि मुझे पूरी पायरेट्स की आर्मी से लड़ना है। तो चलो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और तब तक फेल गेम फैमिली आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ दबा लो। तो सबसे पहले तो अभी ढूंढना है कि विक्टर को कहां पे छुपा के रखा हुआ है। तो ये जो अभी नया विलेन आया ना पायरेट, इसको केट मार्लव ने पैसे दिए थे नेट को मारने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि केट को डबल क्रॉस कर दिया है। तो क्योंकि ये आदमी खुद एक पायरेट है तो इसकी भी नियत बिगड़ गई है, और लॉस्ट सिटी अब ये ढूंढना चाह रहा है। ये चेन पकड़ेगा, नेट आज गदर मचाने वाला है, लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे पास गन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो किसी की गन छीननी पड़ेगी, यहाँ से जाना है। पानी काफी ठंडा है, अच्छा डाइव करके जाना है। चलो ठीक है, अब यहाँ से आदमी आने शुरू हो गए, बढ़िया। बस मैं वेट ही कर रहा था कि किसका गन छीनूं। चलो फाइनली एक गन तो मिलने वाली है कम से कम। नेट ने भी बोला है कि पीछे मत घूमना भाई, स्टेल्थ किल करने दो क्योंकि गन नहीं मेरे पास। चल गन दे दे अपनी, इसके पास गन नहीं है, गंदा आदमी है भाई ये, क्योंकि गन नहीं है इसके पास, गन नहीं दी इसने। ओ हो आदमी लोग देख रहे हो भरे पड़े हुए हैं, ऐसे मुझे गन नजर आ गई, बोट्स के ऊपर गन रखी हुई है। तो बिना किसी को अलर्ट किए सबसे पहले बोट पे चढ़ना होगा, उसके बाद इनकी वाट लगाई जाए। तो नेट बोल रहा है कि इधर ही किधर विक्टर को छुपा के रखा हुआ है, अभी सबसे पहले ना बोट से गन उठानी होगी। ये दो आदमी एक साथ क्यों जा रहे हैं, अगर अकेले होते तो छीन लेता गन, और वहीं पर गन रखी हुई है जहां ये दोनों चले गए, गलत बात है ये। अच्छा ये अकेले, इसको मार सकता हूं मैं, इसके हाथ में आई थिंक स्नाइपर है। हो भाई बहुत ही गलत जगह मारा, गलत बात है नेट, स्नाइपर मिल गई मुझे, ये अच्छी बात है। चलो अब देखा जाए यहाँ का क्या हाल है। ओ भाई वो मशीन गन सेट करके रखी है, KGF वाली, तू तो सबसे पहले मर। चारों तरफ से गोलियां चलेंगी, यहां से निकल जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। एक जगह ऐसा बैठना होगा ना मुझे जहां कम से कम 10-12 आदमी को मार सकूं। मशीन गन क्यों चल रही है, अभी तो मार दिया था जो ऑपरेट करता मशीन गन को, लगता और मशीन गन से यहाँ पे। अभी फिलहाल AR उठा लिया है, पता उसके ग्रेनेड पे गोली लग गई है, उसे ग्रेनेड फटा। ये ले भाई, इधर भी दो छुपे हुए हैं, यहां से भी निकलना होगा, आखिरी मैगजीन है लगभग गोली की, ले ग्रेनेड अपना वापस ले। अरे एक गन यहाँ पे तो रखी हुई है, इसको उठाना पड़ेगा, लेकिन पहले स्नाइपर का यूज कर लेता हूँ। स्नाइपर की एक भी गोली वेस्ट होती ना बहुत बुरा लगता है। ये जो यहाँ छुपा हुआ ना इसको मारना होगा, मैं सोच रहा हूँ उसी बोट पे जाने का, ये लोग ना अब मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, और अगर इस जगह पे वो आर्मर वाला आदमी या शील्ड वाला आदमी आ गया ना तब तो वाट लग जाएगी मेरी। यहाँ से भागना होगा, पहले इन तीनों को मारता हूँ। कितने आदमी आए जा रहे भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है, फाइनल मिशन तो नहीं लग रहा है ये, इतने आदमी क्यों आ रहे हैं। खाली हो गया यहाँ पे, अब मैं जा सकता हूँ उधर, ठीक है। ओहो देखा गोलियां चल रही है पता नहीं किधर से। तो एक काम करते हैं उस बोट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि और कहाँ कहाँ आदमी छुपे हुए हैं। और उधर एक KGF वाली मशीन गन भी है जो कि मुझे चलाने का बहुत ही ज्यादा मन है, तो वो तो मैं चलाऊंगा, भले ही सारे लोग मर जाए लेकिन एक बार मैं चला के रहूंगा भाई उसको। Alright, getting close. विक्टर को लेकिन छुपा के कहाँ रखा हुआ है, विक्टर अभी तक मिले नहीं है। अच्छा तू चला रहा था, KGF 2 में इस गन का क्या नाम बोला था, बड़ी माँ। ओहो अच्छा और आदमी बचे में, भाई थोड़ा सामने आ जा, छुप के मत रहे, भाग गया वो भाई। चैट में एक बार बड़ी माँ OP होना चाहिए। 955 गोलियां इसमें, लेकिन वही है कि चारों तरफ नहीं घुमा सकता हूँ इसको, इसका भी एक रेंज है अपना। और ये आर्मर वाला आ गया, तू कहां से आ जाता है डिस्टर्ब करने, हर आर्मी में ये जरूर रहता है, चाहे वो एजेंट्स की आर्मी हो या फिर इन पायरेट्स की।
मरना मर, कितना मार खाएगा भाई, इसे बहुत मुझे चिढ़ लगता है। अब तो मर। हाँ, एक और, ये आर्मरी वाला है क्या? नहीं, ये नॉर्मल था। ठीक है, आर्मर वाला है क्या? तो आपको पता चल जाएगा, उसको बहुत ज्यादा मारना पड़ता है। कहां से गोलियां चल रही? ओ मिला, अरे रुक, मर गया। बस छुपने ही वाला था, सब छुप छुप के गोलियां चला रहे। कोई बात नहीं, एक और बड़ी मां मुझे नजर आ रही है इस बोट के ऊपर, जिसको मैंने स्टार्ट। अरे ये आर्मर वाला, उसी टाइम मेरी एआर की गोलियां भी खत्म हो गई। हट मनुष्य, अरे भाई साहब स्नाइपर, यहां से हटना होगा मुझे, ग्रेनेड भी आ रहा है। सबसे पहले ना इस आर्मर वाले को कुछ करना होगा, मेरे पास एआर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस गन से भी काम चला लूंगा, आ ही रहा होगा मेरे पीछे, पता था। आ जा मौत के करीब, आ जा। ये गोलियां ऐसे खा रहा है जैसे चूरन की गोलियां है। ओ भाई गन से मार रहा हूं, एआर सामने ही रखा है, लेकिन अब वहां जाने का टाइम नहीं है। गोलियां खत्म, आ जा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर ले अब। इसके बाद स्नाइपर वाले को देखता हूं। सबसे पहले बुलेट्स का कुछ करना होगा, जब देखो तब मेरी बुलेट्स खत्म हो जा रही है। चलो खत्म, ये शॉटगन है इसके पास, शॉटगन फिलहाल अभी मेरे किसी काम की नहीं है, इसका रेंज बहुत ही कम है। एआर उठाना होगा मुझे। एक स्नाइपर भी पता नहीं किधर टीले पे बैठा हुआ है, उसको भी जाके चेक करना होगा। देखो चलो मुझे उसका लोकेशन मिल जाए, कहां पर है वो, और पीछे, और वो जो पीछे एक बोट है ना उसके पास है शायद कहीं। हाँ ठीक है, कोई मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास आ जाता तो गन छीनने में ज्यादा आसानी होती। ऐसे यहाँ भी बहुत आदमी लोग को मारा है, दे दे भाई। सबसे पहले ये जो लेजर लाइट मारे जा रहा है मेरे ऊपर, मर जा, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने से पहले नीचे चला गया और उसके बाद सीधा ऊपर गया। एक स्नाइपर मरा नहीं, दूसरे ने जगह ले ली, कोई बात नहीं, गोलियां है यहां से मार ही सकता हूं इसको। बर्स्ट मोड में करके मारूंगा इसको, दो दो गोलियां करके। चलो ये गया, और एक मुझे कोई दौड़ते हुए नजर तो आ रहा था, लेकिन पता नहीं कहां चला गया। चलो कोई बात नहीं, ऊपर जाके चेक करता हूं कहां है क्या है। हाँ देखा, गोलियां की आवाज आ रही है ना। हाँ ये ऊपर आ गया है, चालू सफाया, कोई नहीं है, सन्नाटा भी हो गया है, गोलियां की तो आवाज नहीं आ रही है। विक्टर को ढूंढा जाए। ओहो भाई यही तो चाहिए था। छह ग्रेनेड लॉन्चर है इसके अंदर, खतरनाक। ओ भाई, अच्छा पर मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर है तो उसको काम में लाने का टाइम आ गया है। वहां तक जाएगा? चलो ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करके मारना होगा। एक और मर जाएगा वो। वो स्नाइपर बहुत ही ज्यादा दूर है, वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मैंने भी स्नाइपर उठा ली, स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर। अरे ये क्या भाई, लॉन्चर छोड़ रहा है वहां से, ग्रेनेड लॉन्चर नहीं था वो सीधा सीधा लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर था वो। भाई साहब उस साइड है, चलो यहां तो मार नहीं सकता, आई होप यहां नहीं मार सके। अरे तू मर जा, मरा गया। अरे यहां पर भी छोड़ रहा है वो, इधर आ गया है वो, एक जगह पे टिका हुआ नहीं है। इसको पहले मारना होगा, तब फिर उसको देखता हूं, वो ज्यादा खतरनाक है। अरे तू मरता क्यों नहीं है? बोट भी तो हिले जा रही है ना, निशाना हिल रहा है और काफी दूर भी है। बोट हिलना बंद कर दे, बोट नहीं हिलना बंद करेगी। मेरे रास्ते में दो रुकावट है, एक है रॉकेट लॉन्चर और एक है स्नाइपर, दोनों ही मुझे आगे जाने देंगे नहीं, ऊपर जाना है मुझे, तब उनका भी जुगाड़ निकालना ही होगा किसी तरह। पहले रॉकेट लॉन्चर वाले को ठिकाने लगाए जाए। ये ग्रेनेड लॉन्चर के रेंज में है, रुको बताता हूँ इसको। मरा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मरेगा अब आर पार की लड़ाई, या तो ये मुझे मारेगा या मैं इसको मारूंगा। इसको लोड करने में बहुत टाइम लग रहा था, अब स्नाइपर वाले को देखना उतना भी हार्ड नहीं है, एआर भी मिल जाएगा तो मैं उसको टिका दूंगा, बस उसके रेंज में नहीं आना है, वरना एक गोली में उसमें भी मर ही सकता हूं मैं। स्नाइपर भी मर गया क्या, कुछ कर रहा? नहीं, उधर चेक कर रहा है, जिंदा है। स्नाइपर वाला बोलता होगा अभी हम जिंदा है, अभी मुर्दा करता हूं, रुक जा। वहां तक पहुंच गया है, पहले ही मुझे कर लेना चाहिए था ये काम, मुझे लगा नहीं पहुंचेगा वहां तक। चलो आगे बढ़ा जाए, अभी विक्टर का पता भी नहीं चला और इतने आदमी अभी स्टार्टिंग ही में आ गया है, तो विक्टर को जब एक्चुअली बचाने जाऊंगा सही लोकेशन पर, तब पता नहीं कितने आदमी आएंगे।
कोई है नहीं ना, लेकिन गन उठा के अच्छा लगा कि GF2 OP होना चाहिए भाई। यहां से नहीं है, इधर। अच्छा इस साइड से सामने से जाना है। ओहो हो, This doesn't look too dangerous. नेट भी बोल रहा है कि उतना खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन बोलना चाहता है मनी मन में कि बहुत खतरनाक है, ये टूटने वाला है, जल्दी भागो यहाँ से। बोलते बोलते टूट भी गया और आदमी भी आ चुका है गलत टाइम पे। मेरे पास हैंडगन नहीं है इसलिए अब मुझे जल्दी से ऊपर जाना होगा वरना मर जाऊंगा मैं। अरे ऊपर जाओ जल्दी। अच्छा हैंडगन थी मेरे पास लेकिन मैंने निकाली नहीं, पर कोई बात नहीं, जिंदा बच गया हूं, आगे बढ़ जाए। विक्टर आ रहा है नेट और आदमी लोग भी आ रहे हैं, इन पे तो ग्रेनेड लॉन्चर वेस्ट नहीं करूंगा। और कोई आ रहा है क्या? म्यूजिक तो हो रही है और यहां पर बहुत सारे गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, यानी कि लोग आने वाले हैं। यहां पर गन भी रख दी है नीचे। आ जाओ तो, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? देखो आ गए, कहां कहां से निकलते हुए आ रहे हैं। दो आदमी तो मर गए और लोग हैं। ओ शीट वाला, तेरा ही तो वेट कर रहा था, मुझे लग ही रहा था तू कैसे नहीं आया आज। शील्ड से पूरा खुद को गार्ड कर लिया, ग्रेनेड फेंकता हूं इसके ऊपर, मुझे मार देता अगर ग्रेनेड नहीं फेंकता मैं तो। किसी को इधर आने नहीं देना है, मेरी हेल्थ बहुत कम है। ओ भाई तुझे भी अभी आना रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, दो ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं। वो आर्मर वाला कहां गया? हाँ ये रहा, इसके ऊपर ग्रेनेड फेंकना होगा। मर गया, और कौन बचा हुआ है? आपस में एक दूसरे को मार दे रहे क्या ये लोग? बहुत अच्छा, बाहर आना कवर से, क्या छुप के बैठा हुआ है? एक अकेला आदमी खुला खड़ा हुआ है। स्नाइपर को मैं हैंडगन की तरह यूज कर रहा हूं। चलो ठीक है, ये तुम्हारा ग्रेनेड फेंक रहा है। एक और आदमी है, उसके बाद और लोग आएंगे तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल एक और आदमी है शायद, उधर ही किधर छुपा हुआ है। फिर आ गए आदमी, आए जा रहे भाई, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इस पायलट के पास भी बहुत बड़ी आर्मी है। बाहर निकल, ब्लाइंड फायर कर रहा है, बाहर आना। चलो कुछ देर का सन्नाटा है, गन छाट लेता हूं मैं तब तक, क्योंकि आदमी लोग तो और आने वाले हैं। विक्टर के जैसे जैसे मैं करीब पहुंचते जाऊंगा आदमी लोग भरते जाएंगे। इलीना का पता नहीं है मुझे कि इलीना कहां गई, अब इसका क्या किया जाए? जाना तो आगे ही है, इसे चढ़ने का नहीं दे रहा है। अच्छा यहां पर है नेट, कोई खतरनाक आइडिया है क्या करने का है? अच्छा इस बॉक्स को पुश करने का दे रहा है, लेकिन उस साइड से। हाँ आइडिया तो है, इसको पुश करने से रास्ता बनेगा, पता नहीं कैसे लेकिन बनेगा। ये नीचे आ गया, रास्ता बन गया अपना। Nice. That'll do it. सारे शिप्स में भी जंग लगे हुए हैं, यानी कि टूटने के पूरे पूरे आसार है, कहीं पर भी कुछ भी टूट सकता है। विक्टर को कहां छुपा के रखा है कुछ आइडिया नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है और जहां आदमी दिखे यानी कि मैं सही जा रहा हूं। पर ना अनचार्टेड 4 में ऐसा होता था कि आप भटक जाते हो, लेकिन अनचार्टेड 3 में मैं एक बार भी भटका नहीं हूं, क्योंकि वन वे डायरेक्शन है, तो इसलिए अगर आगे बढ़ रहा हूं यानी कि सही जा रहा हूं। मुझे अनचार्टेड 1 खेलने का बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि मुझे देखना है कि नेट ने मतलब ये जो जर्नी स्टार्ट की, ये उछल कूद करने की, कैसे स्टार्ट की। पार्ट 1 में अच्छे से दिखाया होगा इन सब चीजों को, नहीं? अच्छा यहां से आप लोग गेस करो कि विक्टर को मिलने से पहले कितने आदमी लोगों का सामना करना पड़ेगा, 100, 200, 300, या गेस करो और यहां से गिनना कितने आदमी आते हैं टोटल। ऐसे गिनना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान लगा के गिनना। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 200 से 300 आदमी तो आएंगे ही आएंगे, इतने आसानी से ये लोग विक्टर को बचाने देंगे नहीं। लेकिन हाँ विक्टर मिल गया ना, तो उसके बाद मिलेगी भाई अपने को लॉस्ट सिटी, वो पूरी सिटी गोल्ड से बनी हुई है शायद। Don't look down. Okay. I'm gonna get one shot at this. एक ही मौका मिलता और अगर छोड़ देता ना नेट, ओ भाई ये टूटा तो सब टूटना चालू हो गया, नेट आता है और टूटना चालू हो जाता है। Back on solid ground. Oh, solid boat. ये नेट बोट टू बोट जा रहा है। अच्छा बाहर से जाने का है। ओ भाई
ये देख रहे हो, ये किसी जमाने में बोट हुआ करती थी, बड़ी सी। क्या मस्त एंगल में दिखाया पीछे लाकर, कि देख लो इतना मेहनत से बनाया है कैसा दिख रहा है। नॉटी डॉग्स बहुत अच्छा गेम बनाते हैं, और इससे मुझे याद है कि नेक्स्ट महीने नॉटी डॉग्स का आने वाला है लास्ट ऑफ अस, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ, तो उसको भी खेला जाएगा। नेट को टेटनेस की सुई तो लेनी पड़ेगी, सही बात है, जंग लगे हुए पार्ट्स पे उछले जा रहा है नेट, कहीं ना कहीं तो हाथ कट ही गया होगा। पूरे 2 मिनट सन्नाटा था, अब आदमी लोग आने चालू। इसको तो खींच के गिरा दूंगा, आजा नीचे जा पानी में, या नहा के आ। नहाता नहीं सुबह सुबह। आगे से कूद के जाना, प्लीज मत बोलो ऐसा। ओहो हो, मतलब अब ऊपर भी नहीं आने दोगे मुझे, बहुत बढ़िया, ये गलत बात है, लेकिन ठीक है। ये जो रेड वाला है ना, ये मेरा कवर बन सकता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, तो जब भी आदमी आएंगे ना, तब मैं इस रेड वाले को पकड़ के इसके नीचे छुप जाऊंगा। ये पता नहीं क्या है, एसी या बॉक्स है, जो भी है मेरे काम का है। ये मेरा कवर है, हाँ मारते रहे, गोली मारते रहे, नजर आऊंगा तब ना मारेगा। और लोग है ना, पक्का और लोग है, क्योंकि म्यूजिक ऑफ नहीं हुआ है। नेट थोड़ा जल्दी जल्दी भाग भाई, कोई आया नहीं उधर से, मुझे लग रहा था कि उधर कोई आएगा, आया नहीं लेकिन। आवाज आ गई मुझे, कहाँ है, कहाँ है? अच्छा एक तो ऊपर है मेरे, लेकिन मार नहीं सकता मुझे जब तक मैं कवर में हूं। भाई नीचे टाटा, नीचे आ जा। अरे उधर कूद के चला गया, चालू मर गए सारे। म्यूजिक ऑफ यानी कि फिलहाल कुछ देर के लिए आराम है, पर और आदमी आएंगे। तो सस्पेंस वाला म्यूजिक आ रहा है, वाह बहुत ही अच्छी गन मिल गई है, लेकिन यूज करने देंगे ये लोग तब ना। इसके मुंह पे, नीचे जा, नीचे जा तू, धक्का दे देता है नेट, नेट भी कमा। अरे अरे कौन गोली चला रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट तुरंत कर देते हैं मुझे। नीचे ऊपर 2 आदमी है ना, इनके मुंह पे ग्रेनेड फेंका जाए, कैसे मुंह छुपा के बैठा था। और कोई है, नेट भागते चल भाई, आदमी लोग आना बंद नहीं हो रहे हैं, मैं ही निकल जाता हूं यहां से। अरे रे रे रे, अब कवर में भी मार दे रहे हैं मुझे। तू कितनी गोली खाएगा, मर गया आई थिंक। अभी यहां कम से कम 15 आदमी आए होंगे, गिन रहे हो ना आप लोग, गिनते रहो भाई। यहीं से जाना है, लग तो रहा है कि इधर ही से जाना है, हाँ ये रहा। ऊपर आ गया हूं मैं, ठीक है, जब मैं कवर लूंगा ना तब कोई नहीं आएगा। नेट बोल रहा है कि रेडियो टावर तक पहुंचना है। अच्छा नेट बोल पहले रहा है, सबटाइटल बाद में आ रहा है, ये क्या गड़बड़ है। चलो आगे ही से कूद के जाना है, सामने तक नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंच जाऊंगा मैं। गोलियां चलनी स्टार्ट, कहां है आदमी। इस बार ये भी कवर में था, लकड़ी को तोड़ना पड़ा इसको मारने के लिए, चिल्लाते हुए गिरेगा। इतने लॉयल आदमी है ना भाई, इतने तो को मारा नेट ने, लेकिन और भी आते रहेंगे। अब कवर लेने के लिए वो रेड वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आदमी आए ना लाल पीला कर देंगे मुझे। नेट थोड़ा जल्दी, अरे आ गया, आ गया आदमी, आ गया, लाल पीला कर दिया 2 सेकंड में। कोई और मार रहा है गोली, अरे नीचे, हाँ ठीक है अब नहीं मार सकता है, अब कवर में आ गया हूं मैं, गलत जगह ग्रेनेड फेंका है, कोई बात नहीं, जा टाटा। तो ब्लाइंड ग्रेनेड फेंकने का नुकसान ही यही है कि कवर में भले ही छुपे हुए आप फेंक सकते हो, अरे तू कहां से आ रहा है भाई, नीचे जा। रेडियो टावर सबसे टॉप में होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक और फ्लोर है, तो शायद वहां पे होगा। गोलियां काफी भरपूर हैं, एटलीस्ट 10 आदमी या 12 आदमी को तो मार ही सकता हूं इतनी गोलियां में। 3-4 ग्रेनेड्स और क्या चाहिए। All right, nearly there.
कोई आएगा? जब मैं कवर लूंगा तब कोई नहीं आएगा, जब मैं ऐसी अंधाधुंध दौड़ते रहूंगा ना तब आएंगे आदमी। सामने से पाइप पकड़ के जाना है तभी आदमी आएंगे। नेट शुरू हो जाओ, रस्सी और उसके बाद सामने पकड़ेगा ना, वहीं जाना है। ये तो देखता हूं, मुझे प्रिंस ऑफ पर्शिया की याद आती है। प्रिंस ऑफ पर्शिया में ऐसे ही दौड़ता था, जिसने भी खेला होगा या देखा होगा तो उसको पता होगा। इतनी ऊंचाई पे आ गए कि हर जगह देख सकते हैं। Must be Ramsey's ship. यहाँ जंक हाईवी शिप्स में एकलौती अच्छी शिप है और वही उस पायरेट बॉस की शिप होगी और वहीं पे विक्टर सलीवन होंगे। Finally, let's. You've gotta be kidding me. नेट को क्या लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ काम करता होगा नेट? This place is a mess. Shit. नेट उछल कूद के ही उधर जाना होगा उस शिप के पास। Plan B. प्लान बी मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, उछल कूद के वहां तक पहुंचना है। शिप के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, पर खाली है क्या? Wait. क्या हो गया? ओ इधर है सब, क्या कर रहे हैं ये लोग? Where are you headed? ये लोग कहां जा रहे हैं? शिप तक ही जा रहे हैं ना? That must be where they're holding Sully. इसी शिप में है विक्टर। I gotta get on that ship. चलो आज विक्टर को छुड़ा ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि शिप तक पहुंचने में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, थोड़े 100-200 आदमी लोग को मारना होगा, तो नेट इतना सब कर लेता है आराम से। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतरने का दिया है रस्सी से, गन वन नहीं है यहाँ पे? नहीं, चलो फिर उतरा जाए। आदमी ने देख लिया और लॉन्चर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। भाई इतने इतने लॉन्चर्स कहाँ से लेके आते हो? अब ये देखो एक और आया। नीचे नहीं, नीचे नहीं, पूरा ही नीचे फेंक दिया मुझे। जिसने मुझे लात मार के नीचे गिराया ना, अच्छा वो आ भी रहा है, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। नीचे आ जा, कूद कूद के नीचे आ रहा है जोश में। भाई तू क्या है, ज्यादा खतरनाक समझ रहा है खुद को। पानी के ऐसे बहाव भी तेज हो गया पहले से। स्नाइपर लेकिन नीचे कौन खड़ा होता है? टीले पे जाना, छुपने भी नहीं दे रहा है मुझे, कंटिन्यूअसली रेंज में लिया हुआ है। एक जगह पे मैं एक सेकंड से ज्यादा रुकूंगा ना मार देगा गोली। दो दो स्नाइपर्स, ओ भाई तू तो नीचे जा। अभी दो दो स्नाइपर मेरे सर पे सवार है, एक से तो छुप गया हूं मैं, दूसरा वाला सामने है। कहां गया? यही तो था। अच्छा नीचे है, नीचे है, नीचे है, ठीक है। ऊपर नहीं आ रहा है। अब तू किसको देख रहा है भाई? नजारे ले रहा था। जिसने मुझे लात मारी थी यही था क्या? ये नहीं था, मुंह पे पीला मास्क लगाया होता उसने। एक और स्नाइपर जो निशाना लगा रहा था वो भी गायब हो गया। ये आदमी लोग गायब क्यों हो रहे हैं? एक बार जब तक मैं उसको मार नहीं देता मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। देखने तो यही था ना ऊपर में, ले कहां चले गए वो लोग? भाई ऐसे मत करो, ये अचानक से गायब हो जाएंगे फिर बाद में मुझे सताएंगे। म्यूजिक भी ऑफ हो गया, यानी कि नहीं है शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फिर भी ऊपर से स्नाइपर का रेंज तो आ रहा था। छोड़ो हटाओ, आगे जाया जाए, मिल ही जाएंगे। अगर होंगे तो जरूर ऊपर ही बैठे हुए होंगे। मैं आ रहा हूं। उस पायरेट का पूरा शिप चोरी करके नेट भाग जाए तो क्या ही मजा है भाई। नहीं पूरा शिप चलाने मिले अपने को, ये तो नहीं खुलने वाला है। इधर ही से जाना, सीढ़ी है। आ जाओ, तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो? मेरे आने का वेट कर रहे हो? सब छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा एक बार सोचो तो, नेट के पास कोई सुपर पावर नहीं है। नेट एक आम आदमी है जो कि उछल कूद में मास्टर है। फुल बॉडी आर्मर, बहुत गोलियां वेस्ट करवाई गई है। हेलमेट फूट गया, मर जाएगा। हाँ ग्रेनेड फोड़ दे अपने ऊपर, आगे बढ़ा जाए। ऐसे ऐसे अगर पांच लोगों ने घेर लिया ना और अच्छी गन नहीं रही या गोलियां कम रही तब डेफिनेटली मर जाएगा आदमी। इसीलिए हमेशा देखोगे ऐसे ज्यादा से ज्यादा दो आते हैं एक बार में। पानी भी पड़ने लगा, मुझे इरादा ठीक नहीं लग रहा है गेम का। पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है। ओहो हो, उठा दिया इसको। बोट तक तो पहुंचना ही होगा। स्टेल्थ से भी मैं कर सकता हूँ। चैप्टर 13 स्टार्ट हो गया है। रफ सीज,
स्टेल्थ से करने का मन नहीं, आज बूम बाम ही करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी ज्यादातर लोगों ने बोला भाई कि ज्यादा भाई स्टेल्थ से कम किया करो फिलहाल, और ऐसे भी अनचार्टेड 3 में ज्यादा ये लोग स्टेल्थ करने देते हैं नहीं। दो दो आदमी एक साथ एक दूसरे को देख के खड़ा रहेगा तो स्टेल्थ कैसे करोगे आप? यहाँ पर फिलहाल करने का ऑप्शन है, कर सकता हूँ मैं, लेकिन छोड़ो हटाओ। आ जा भाई, बूम बाम करने के लिए स्टार्ट। देख लिया उसने पहले ही देख लिया, मैं आ ही रहा था तेरे पास। चल मर जा, गोलियां चल रही है बहुत ज्यादा है। अरे मर, ऑलमोस्ट मैं मर गया था। 2 सेकंड कवर लेने दो, हेल्थ रिकवर करने दो। हाँ किधर किधर आदमी पहले तो, ओके दोनों साइड आदमी है, मैं गलत जगह लगता हूँ, छुप गया हूँ। गया और कहाँ है? बोट तक जाना अपने को, पानी का बहाव तेज होने से देख रहे हो सारी ये जो छोटी बोट्स है ना सब हिले ही जा रही है, और इसमें निशाना लगाने में बहुत दिक्कत होगी। उसको नीचे करना है जाके ताकि बोट तक मैं जा सकूं। वो गोलियां चल रही है बहुत ही तेज, गोलियां चल रही थी ना, पानी की आवाज थी। आज इतनी ज्यादा गोलियों की आवाज मैंने हेडफोन में सुन ली है ना कि गलतफहमी भी हो सकती है मुझे, पर मुझे लगा कि मैंने सुनी है। एक बार दे आर, ये तो रहा, मैंने बोला ना। और कोई है? एक एक करके मत आओ, आ जाओ ना एक बार में, टाइम वेस्ट करवा रहे। चलो अब वहां चला जाए, जिसको आना है सामने आना इस बारी। चलो पहुंच ही गए बोट तक, विक्टर नेट बस पहुंच गया है, ज्यादा जल्दी बचा लिया नेट को। अगर बोट तक पहुंच गया मैं तब ना, अभी बोट तक पहुंचने देंगे। बोट के अंदर भी पायरेट से, ये तो पता ही अपने को। और ये लॉन्चर छोड़ने जा रहा है भाई, हट गई मेरी, अब गई ये सब। कितने लॉन्चर भाग रहे हैं ये लोग, अब क्या किया जाए? उधर जा भी नहीं सकता मैं, पानी से तैर तैर के जाने का तो है नहीं, तो करना क्या है? कोई बोट उठाने का ऑप्शन है क्या? बोट से बोट का पीछा करूंगा, बहुत दूर निकल गई है, वहां तक जाने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए यार? ओहो फंस गया मैं। अच्छा आदमी लोग तो इधर ही आ रहे हैं, यानी कि इधर ही रहना है फिलहाल, यहीं से कुछ करने का ऑप्शन आएगा, पहले इन सबको मारा जाए। तुम लोग कहां छुपे हुए थे जब मैं आया था अभी कुछ देर पहले? वो फ्लेयर दिखा रहा था ना, अच्छा उसको बताता हूँ, बड़ा फ्लेयर दिखा रहा है। ए चालू आदमी, अच्छा फ्लेयर रख के गोली चलाने लगा था वो। उसको सबसे पहले मारा जाए, एक ग्रेनेड और बचा है, लो भाई। एक और जो ऊपर बचा हुआ है ना उसको मारना होगा, कवर में छुप के बैठा हुआ है। अरे निकलना, कवर में छुपने का सिर्फ हक नेट को है। ये देखो ग्रेनेड फेंक रहा है कवर से निकल गया, ले अपना ग्रेनेड। मर गया। और अरे कहां से आए जा रहे हो तुम लोग? चलो खत्म सारे, आई थिंक उस बोट तक जाना है। उधर और कोई है? अच्छा बना हुआ अभी ये जाने का, ठीक है। नेट कोई नजर नहीं ना आ रहा है, नहीं इसमें चढ़ के भागा जाए। अरे एक लाख इससे भी गिरा दिया गया, कोई तो बोट पे ले लेते मुझे। ओ भाई भागो, तैरता होगा मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे गेम के इरादे बिल्कुल सही नहीं लगे थे और मुझे बिल्कुल सही लगा था, देख लिया ना। खैर कि मुझसे कुछ नहीं करवाया फिलहाल, बोट का पीछा करना है, बोट के ऊपर जंप करना है। नेट उनको छोड़ेगा नहीं, आ रहा है नेट। अच्छा मेरी सारी गन्स पानी में गिर चुकी है, पर खैर कि यहाँ पे गन रखी हुई है और उससे पता चल रहा है कि आदमी आने वाले, भर भर के आने स्टार्ट हो गए।
उस शिप के करीब पहुंच गए जिसमें सली है। ठीक है, ये लोग इतने बेवकूफ है ना आदमी लोग, सब कवर में छुप के बैठ गए। अगर दोनों तरफ से आ जाते ना मेरे पास तब मैं डेफिनेटली मर जाता, लेकिन अब इनको एक एक करके मारना आसान है क्योंकि ये लोग भी खुद कवर में छुप गए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही छुपे रहो और ऐसे ही मरते रहो। एक और गन रखी हुई सामने ही। ओ भाई मेरी बात सुन के आगे आने लगे ये लोग, आगे मत आओ। और लोग निकल निकल के आए जा रहे हैं, पता नहीं बोट है क्या है, बोट में आदमी लोग करने क्या जा रहे थे, पार्टी मनाने जा रहे थे, इतनी इतनी गन लेके। ग्रेनेड एक होता ना सब साफ हो जाते, सब कवर के अंदर छुपे हुए लाइन से। ओ अब तुम लोग भी आ गए, अरे रे रे रे, ये गलत है, दो दो तरफ से पड़ेगा मुझे। और रस्सी से जंप कर कर क्या रहे हो, क्या बात है, स्पाइडरमैन बनने का शौक है। ये देखो एक और स्पाइडरमैन आया, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया नेट का चैन। बाहर निकलना बाहर निकलना, क्या छुप के बैठा रहता है, कोई तो ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंको ना, वो भी चलेगा, बल्कि मैं उल्टा वापस फेंक दूंगा। 35 गोलियां बची है भाई, बाहर भी निकलने नहीं देंगे ये लोग, 29 गोलियां है सिर्फ। लॉन्चर भी आने लगे, बस इसी की कमी थी। अब मुझे उस शिप में जाना होगा, इतने करीब पहुंचा दिया तो पहुंच ही जाता हूं मैं। अच्छा वो सामने वाली शिप डूब गई, कहां गई, वो डूब गई है, खुद के दोस्तों की शिप डुबा दी, शर्म करो, एक आदमी को मारने की वजह से अपने दोस्तों को मार दिया। अरे तू मर जा भाई मर जा, ये नहीं ना मरा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। पानी में क्यों नहीं गिरता तू, खत्म टाटा, सारी गोलियां तू ही खा जा। चलो फाइनली, ये देखो कितना शरीफ आदमी था, 3 गोली में मर गया, फिर लॉन्चर आने लगे। क्या आदमी लोगे, मतलब एक आदमी को मारने की वजह से अपने दोस्तों की बोट गिरा दे रहे हैं। ओ भाई मुझे लॉन्चर दिख रहा है, अब होगा ना कांडिलो, बहुत लॉन्चर छोड़ने का शौक चढ़ा है। ओ अभी डूबी नहीं है, कोई बात नहीं डूब जाएगी, आधी शिप जल गई है, बची कुछ और जला देता हूं मैं। डूबने के लिए तैयार, हट गई है इनकी शिप और मेरी वाली भी जली गई है, तब क्या किया जाए। वो जो सामने बोट है ना, जो मेन बोट थी बड़ी सी, उसमें जंप करना है, एक ही चांस है, और सही पकड़ लिया नेट ने। चैप्टर 13 तो बहुत ही ज्यादा फाड़ू था, चैप्टर 14 इस बड़ी सी बोट पे हो रहा है, यानी कि ये और खतरनाक होने वाला है। चलो स्टार्ट किया जाए इसको। विक्टर इसी शिप के अंदर है और वो जो पायरेट बॉस था वो भी इसी के अंदर होगा, तो उससे बॉस फाइट हो सकती है। यहाँ से आगे बढ़ा जाए फिलहाल, नेट को जल्दी से जल्दी बचा लेना, उसके बाद लॉस्ट सिटी की तलाश में निकल सकते हैं। अब ये बोट टूट के गिर गई, बताओ पीछे जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, यानी कि आप लौट नहीं सकते हैं, वन वे टिकट है, इधर ही से जाना है। पानी का बहाव अभी भी बहुत ज्यादा तेज है, नेट बाकी सब सही है, शिप के अंदर ही रहना। अच्छा अपर डेक में जाना है, कैसे जाना है, अच्छा ये सामने बोट, नेट आता नहीं है, सब कुछ टूटने लगता है, पता नहीं भाई ये तो नई शिप थी, ये क्यों टूट रही है, नेट इतना भारी भी नहीं है लेकिन। खुद को समझाते रहता है नेट, ऊंचाई से डर भी लगती है लेकिन ऊंचाई वाले सब काम भी करता है। कितने आदमियों ने पकड़ के रखा होगा विक्टर को, अभी जैसे अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। मुझे लगता है वो जो बॉस पायरेट है ना, वो पूछताछ कर रहा होगा विक्टर से और उसी को मार के विक्टर को छुड़ाना होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। नेट ने ओ बोला तो यानी कि कोई आ रहा है, आ जाओ भाई गन दे दे, मेरी गन तो गिर चुकी है हमेशा की तरह, चल मर जा। पिस्टल इसके पास, पिस्टल में गोलियां कम रहती है लेकिन असरदार रहती है पिस्टल। आज साइलेंट मिशन करने का मन नहीं है क्योंकि आज पूरे ही एपिसोड में बूम बाम किया है, तो अगर आदमी लोग दिखेंगे गोलियां चलाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये तो पीछे ही घूम के खड़ा हुआ है तो ठीक है, इस पे गोलियां वेस्ट नहीं करूंगा।
नेट को ना हिटमैन वाला जॉब भी ले लेना चाहिए। हिटमैन का भी काम नेट अच्छे से कर लेगा। इतने इतने आदमी को तो मार ही देता है, हिटमैन में क्या रहता है, छुप के काम करना। तो नेट वो भी कर सकता है, वो तो मेरी चॉइस है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। काफी गोलियां दे रहे हैं यानी कि कुछ ज्यादा ही लोग आने वाले हैं। मैं समझ गया हूँ, देख लिया था। एक दो तीन चार, ये क्या प्यारे भाई। स्टेल्थ मिशन तो नहीं कर सकता, नेट ने भी बोल दिया है, सबको पहले ही पता चल गया कि नेट आया है। मेरा कवर छूटा। ओ भाई, नेट को बोर्ड से नफरत है, मुझे भी हो रही है अब धीरे धीरे। कवर छूट जा रहा है मेरा। आ जा तू, आ जा, तेरे बड़ा शौक चढ़ा है ना। ग्रेनेड का पिन खींच दिया इसका, मर जा। चलो सारे लोग खत्म, एक और होना चाहिए शायद। नहीं, सारे लोग मर गए। अरे पानी का बहाव कुछ ज्यादा ही है, ये बोट उलट नहीं जाए कहीं। अरे कौन आया भाई, मुझे लगा था कि एक और आदमी बाकी है, वो घूम के पीछे चला गया था। किधर है? आजा आजा बावले, आजा। ये बोट लेफ्ट राइट होती रहेगी, पर इससे ज्यादा और दिमाग खराब हो निकलते हैं यहां से। सामने रेड डोर दिख रहा है, यानी कि उधर ही जाना है, ऐसा लग तो रहा है कि उधर ही जाना है। ये क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ा आदमी आया है यार। वो दो गोली मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। आ भैया, पूरा पीछे से इसको मारना होगा, अपने तक नहीं पहुंचने देना होगा वरना ये मुझे मार देगा। ऊपर से ये कवर हटाने वाली टेक्निक, प्लीज पानी कुछ देर चैन से रह जाओ। इसके मुंह पे ग्रेनेड पटा, ये टस से मस नहीं हुआ। और गन तो इसकी खतरनाक है, यहां से भागो वरना ये मार देगा मुझे। दो से तीन गोली में सफाया कर दे रहा है, इसको कवर टू कवर मारना होगा। कम से कम 100 के ऊपर गोलियां लगने वाली है इसके ऊपर। फिर आया, अरे कितना तेज है, इतना भारी कवर के साथ ना स्लो होना चाहिए था इसको, ये गलत बात है। अरे कुछ तो हो इसको भाई, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? इसको गोली से नहीं मारना है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ग्रेनेड लॉन्चर भी आ गया, तुम ही लोग की कमी थी मनु, तो ऐसी में कम भर रहा था। दिल की धड़कन तेज है, 6 शॉटगन की गोलियां हैं, पता नहीं क्या करूंगा इसके साथ में। शॉटगन की गोलियां दूर से नहीं मार सकता, सामने जाना ही होगा। ये फिर आया बाबला। अच्छा थैंक्स टू, इसी का आदमी सही आदमी है, इसके आदमी ने इसको मारा पता है, ग्रेनेड लॉन्चर से। तो गोली से कुछ हो ही नहीं रहा था, पर वो जो ग्रेनेड लॉन्चर वाला है ना, मुझे भी बहुत परेशान करेगा। मेरे हाथ में शॉटगन है, वहां तक मेरी गोली पहुंचेगी नहीं भाई। ये यार एक देना, फिर आया। थैंक यू भाई, तूने मेरी जान बचाई, लेकिन अब तुझे मरना पड़ेगा। मर गया, चलो मैं भी मरने ही वाला था, अब कोई मत आना, जाने दो मुझे आगे। ये गन थी उसके पास, खतरनाक गन दिख रही है ना, पर इसको उठाने के बाद नेट स्लो हो गया। अरे तुम लोग कैसी तैसी, अब 40-50 आदमी भी आएंगे तो अंधाधुन गोलियां चलाने वाला हूं मैं लाइन से सबको मारा है बिना कवर लिए। और इसके साथ मुझे लगता नहीं, इस गन के साथ कवर नहीं ले सकता हूं मैं, इसको ज्यादा दूर भी नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही ये डोर खोलूंगा भाई, ये गन छोड़नी पड़ेगी। हाँ कोई बात नहीं, गन फिर मिलेंगे कभी आगे। चलो फिलहाल विक्टर को बचाया जाए। विक्टर को ये लोग होल्ड में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये होल्ड कहाँ है? बोट के नीचे, सामने लाइट ऑन ऑफ हो रही है, लगता है वहीं जाना है। Right into the lion's den. शेर की गुफा में घुस रहा है नेट। म्यूजिक काफी सॉलिड है। ना ना ना, नेट ने बोला है चुपचाप से कर लो, लेकिन चुपचाप से मैं नहीं करूंगा, आज नहीं। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कि साइलेंटली देखते हैं क्या। आज दिन नहीं है भाई साइलेंटली का, आज इतनी देर जब बूम बाम किया तो आप पूरा ही बूम बाम रखते हैं।
गन्स छाट लेता हूँ। नीचे दो आदमी मुझे नजर आए हैं, और भी होंगे, तीसरा तीन आदमी नजर आए और बाकी तो आते रहते हैं फिर बाद में, ये भी इनकी अलग ही कहानी है। एक फिलहाल नीचे तीन ही आदमी है। तू मर भाई, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गोलियों का सिलसिला। स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहा है तू, मर जा। और कौन है ये भाई साहब, कवरी में छुपे रह जाओगे तुम लोग, नेट सबको मार के चला जाएगा। पिन खींच दिया इसका भी, ये हटाता रह जाएगा अपना। ग्रेनेड मर गया। अच्छा आर्मर वाले आ गए, मेरे पास इस बार एक ग्रेनेड लॉन्चर है, ठीक है आ जाओ। वाट नहीं लगा दी तुम्हारी तो बोलना। दो ग्रेनेड लॉन्चर में मरता है फिर भी ये, आम आदमी बेचारे एक ग्रेनेड लॉन्चर में मर जाते हैं। चलो और कोई है और लेते हो साथी को, आज नेट पूरे मूड में सबकी बैंड बजाने के लिए। स्नाइपर को नहीं बुलाया था मैंने, इतनी छोटी सी जगह में स्नाइपर कौन लेके आता है। चीटिंग 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 करता है तू, ग्रेनेड लॉन्चर भी लेते आया जब मेरा खत्म हुआ तो। मुझे पहले पता होता मैं बचा के रखता भाई, उतनी दूर तक पिस्टल की गोलियां भी नहीं जा रही है। ये छोड़ते, इसके पास अनलिमिटेड ग्रेनेड लॉन्चर है, मेरे पास छह ही था। मैं जब उठाता हूँ छह ही रहता है और छह से ज्यादा रख भी नहीं सकता मैं। आ रहा आर्मर वाला, आ रहा भाई, तेरी कमी थी बस। मैंने भी क्यों बुला लिया इन लोगों को, वो पागल जैसा छोड़े जा रहा है ग्रेनेड लॉन्चर। चलो ये तो गया कम से कम। सबसे पहले ना ग्रेनेड लॉन्चर वाले को टिकाना होगा, वो दिमाग खराब करते रहेगा। हाँ अब स्नाइपर वाले पे ध्यान देना होगा, ये लोग गोलियां कम चलाते हैं लेजर से ज्यादा खेलते हैं। अरे चलाना गोलियां चलाओ, डरा क्या रहे हो। एक और इधर था ना, अरे अभी तो मारा था भाई इसको। कितने सारे आर्मर वाले हैं, अभी चार हो गए, ये चौथा है। ले अपना ग्रेनेड वापस ले। चलो लगता है मैं मरा सामने, अरे सामने आया ना, मैं डेफिनेटली गया, बच गया। मिस्टर की गोलियां बोली थी ना कि कम रहती है लेकिन असरदार रहती है, पर भाई ये कि रेंज नहीं है इसमें। एक और स्नाइपर है, नहीं जाएंगी गोलियां मुझे लगा ही। एआर उठाना होगा, शॉटगन। अरे मनुज कोई अच्छी गन छोड़ के जा नहीं सकता था, शॉटगन की भी गोलियां नहीं लग रही हैं। एआर कहां पे तो फेंका हुआ होगा, इतने इतने आदमी लोग को मारा। एक हैंडगन भी दे दो ना, हाँ इससे भी काम चल जाएगा। ये लेजर से खेलता रह जाएगा, नेट अभी इसका खेला करने वाला है। यूजी की गोलियां वहां तक तो जानी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। आ जा भाई, आखिरी आदमी खेलते रह गया लेजर से बेचारा। म्यूजिक ऑफ नहीं हुआ है, यानी कि आदमी लोग और आने वाले हैं, पर आते हुए दिख रहे नहीं है। गन छाट के रखो फिर भी, इन एनी केस आज तो गन ही गन की जरूरत है। हाँ दो ग्रेनेड हो गए। अरे भाई तू कहां था, तू क्या कर रहा था, छुप के बैठा हुआ था क्या, इसीलिए मैं बोलूं पता नहीं क्या कर रहा था। ग्रेनेड लॉन्चर छह ही, देखा मैंने क्या बोला, मेरे पास छह ही रहता है, छह से ज्यादा उठाता नहीं है। किधर से तो आ रहे आदमी लोग, दरवाजा टूटने की आवाज आई, नीचे से आवाज आ रही है। ओ भाई सही टाइम पे देख लिया, पता है बैंड बज जाती है अभी। कहा है इस कवर के पीछे मुझे खोपड़ी नजर आ रही है, ग्रेनेड फेंक रहा था। अरे तू कहां से आ गया ऊपर, लाइफ जैकेट पहन के आया है, तेरी लाइफ बची कितनी है। नीचे दो तीन आदमी है, एक आ रहा है ऊपर, आ जा भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, मौत की मुंह में खुद आ रहा है। मरा, चलो अब गया, म्यूजिक अब खत्म हुआ है, यानी कि आदमी लोग भी खत्म हो गए कुछ देर के लिए। सही, यहां से निकलना चाहिए। गन वन छाट लेता हूं,
छह ग्रेनेड लॉन्चर आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा या फिर एआर उठा लेना चाहिए? छह ग्रेनेड लॉन्चर से एटलीस्ट छह सात आदमी तो मार ही दूंगा, अगर भीड़ में रहेंगे तो और ज्यादा मर सकते हैं, पता नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन चलो ठीक है, यूजी भी उठा लिए ना, किसी के पास ग्रेनेड नहीं है दो तीन, क्योंकि विक्टर तक जैसे ही पहुंचूंगा हो सकता है बॉस फाइट हो उस पायरेट के साथ। चलो ठीक है, जो है सब ले लिया है, अब यहां से निकला जाए। इसी डोर को खोल के आए थे ये लोग। विक्टर टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं, छह छह ग्रेनेड लॉन्चर लेके आ रहा हूं मैं। भी गेट मार लो, से इतना जल्दी पीछा नहीं छूटा है, मेन बॉस तो वही है। और लॉस सिटी का पता क्योंकि सिर्फ विक्टर को पता है तो वो विक्टर के पीछे आएंगे, वो टैलबर्ट को कैसे भूल सकते हैं, इसको तो सामने ही जाके मारना होगा। आजा भाई, मजे ले रहा था जिंदगी के। बेचारे पायरेट ने कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के इतने इतने गुंडों को अपनी टीम में भर्ती करवाया होगा, अकेले नेट ने सबकी वाट लगा दी है। मर जा। It's gotta be down this way. तो विक्टर को नीचे पकड़ के रखा होगा और नेट एकदम देख रहे हो धीरे धीरे दबे पांव जा रहा है। नेट साइलेंट मिशन आज नहीं करेंगे, ठीक है, तो आज बूम बाम करने के लिए तैयार रहो। ऐसे भी ये लोग देख ही ले रहे हैं मुंह पे तुरंत, बड़ा सन्नाटा है भाई यहाँ पे। विक्टर बांध के रखा हुआ है विक्टर को। There he is. विक्टर के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? वो पक्का पायरेट बॉस आएगा लेकर बहुत बड़ी सी मशीन गन, कुछ तो होने वाला है, तीन पांच, जो भी है मैं तैयार हूं। विक्टर नेट आ गया है। सॉली, सॉली, कोई और है लगता है, विक्टर नहीं है। अरे भाई खाली है, नकली था, He's not here. कहीं और छुपा के रखा है। ओ भाई आ गया, पायरेट आ गया है। Crap. Nathan, you have given me so much trouble. I promise you, we're gonna end it now. ये तो गोली मारने वाला है नेट को। You never had him, did you? अच्छा। Of course not. I lied. Remember? I'm a pirate. Yalla, let's go. इसने विक्टर को पकड़ा ही नहीं था, झूठ बोल रहा था। Yeah, that's right, buddy. Keep laughing. ये हंसते हुए आ रहा है, लेकिन नेट ने को सोच लिया है। और हंस, नेट के सामने हंसता है, ग्रेनेड निकाल के मुंह पे, मेन बॉस को गोली मार दी है नेट ने। मरा नहीं, लेकिन ये हाथ में गोली लगी, बोट फट गई भाई ग्रेनेड की वजह से, धात तेरी। 15 चैप्टर स्टार्ट हो गया, सिंक और स्विम, डूबो या फिर तैरो, लगता है मैं डूबने वाला हूं, गलत वाली फीलिंग आ रही भाई मुझे। ये फिर आ गया, आ रहा बोट डूब रही है, बेवकूफो भागो यहां से, पागल है क्या ये आदमी सब, दिमाग तो आपका चीज देना चाहिए गेम के अंदर भी, इतने ज्यादा लॉयल क्यों है ये लोग, मरते मरते भी नेट। और ये देखो एक और आया, शील्ड वाला, शील्ड लेके आया ये मेरी वाट लगाने के लिए। इसके मुंह पे एक ग्रेनेड छोड़ना होगा, ये ऐसे मरेगा नहीं। क्या इसकी शील्ड में ग्रेनेड फिट कर दिया था, वो डूब रही है, पागल लोग को दिखेगा नहीं। दो दो स्नाइपर, वही ना, आखिरकार नेट ने इस बात को बोला कि डूब रही है बोट, नजर नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? इधर से तो गोलियां चल रही थी, कौन है भाई? मैं भी मरूंगा, वो भी मरेंगे डूब के, दो आदमी है इधर, ये आर्मर वाला आएगा, बस तेरी ही कमी थी भाई, बस मैं सोच ही रहा तू अभी तक आया कैसे थे? लेकिन इस बार मेरे पास शील्ड है जो कुछ देर काम आ सकती है मेरे।
बस खत्म शील्ड का काम। एक और आदमी है, इसको तो शील्ड से मारूंगा खींच के। ये ले, मर जा। शील्ड से भी मारा जा सकता है, ये मुझे आज पता चला। अरे स्नाइपर फिर आ गए भाई, तुम लोग डूब के मरने का इतना शौक है। पूरी बोट डूबने ही वाली, ऑलमोस्ट डूब गई है। ये देखो एक और आया पीछे से मेरे। आदमी लोग आना खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये तो लाइफ जैकेट पहना हुआ, ये बच भी जाएगा। अब समझ में आया लाइफ जैकेट क्यों पहने हुए थे ये लोग, इनको पता था। ओ हो, बोट डूब गई पूरी, गया पानी में। सिंक और स्विम नाम दिया था चैप्टर का, डूबो या तैरो। तो चलो तैरते और यहां से निकलते हैं। हाँ निकलना तो है, लेकिन कैसे? दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से चढ़ने का तो दिया है, इस पे चढ़। अरे नहीं, यानी कि उस साइड से जाना होगा। यहाँ से कुछ नहीं है। ये क्या था? कूदा यहाँ गया वहा, ग्लिचेस। पानी धीरे धीरे करके ऊपर आते जा रहा है, तो ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। नेट थोड़ा जल्दी। विक्टर इसके पास था ही नहीं, पायरेट के पास, यानी कि विक्टर को पकड़ा हुआ है केट मार्लव ने। ओ भाई, इतना पूरा बड़ा मिशन बेकार चला गया। नेट को उसी टाइम भाग जाना चाहिए था जब मौका था। जबरदस्ती, ये मतलब ये जो एपिसोड था ये जबरदस्ती वाला एपिसोड था। इस पायरेट के पास था ही नहीं, झूठ बोला भागना मुझे फिर से। अब इसकी झूठ की वजह से ना देखो क्या क्या तमाशा होता है। बस सारा किस्मत खराब नेट ही का क्यों होता है? उसके वेट की वजह से नीचे चला गया नेट। इसको हटाना है। अच्छा जल्दी हटाओ, सांस जा रही है। चलो, पर ज्यादा टाइम तक सांस नहीं रहेगी, नीचे ही से जाना है मुझे। यहां कुछ दिख भी, अच्छा इसको खोलना है, कुछ दिख भी नहीं रहा था इधर। भागो जल्दी, ये वेंट है जो कि अब पानी के नीचे आ चुका है। अभी ऊपर तो आ गए लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि बोट डूब रही है। अच्छा छोटी बोट्स इस शिप में लगी हुई थी ना, उसको लेके जा सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि टाइटैनिक देख रहा हूं मैं। लो फूटने वाला है। क्या स्लो मोशन दिखाया, मस्त था, लेकिन एंजॉय करने का टाइम नहीं है। अरे रे रे रे, गिरते गिरते बचाओ मैं रस्सी। टाइटैनिक बना दिया भाई। यहां से ऊपर जाना है, चारों तरफ से पानी भरते ही जा रहा है। बोट की जितना भी ऊपर जाओ कोई फायदा है नहीं, पानी ऊपर आते जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी जान बचाने के लिए ऊपर ही चलते हैं। आज का एपिसोड ना कहानी के हिसाब से पूरा टाइम वेस्ट था। भले ही एक्शन भरपूर हुआ लेकिन कहानी के हिसाब से सब कांड करवा दिया उसने। विक्टर को छुड़ाया नहीं मैंने, ना ही लॉस्ट सिटी के करीब गए, तो थोड़ा टाइम वेस्ट तो आज करवा दिया, लेकिन मजा बहुत आया। ये तो बात है। और अभी तो पूरी शिप डूबने वाली है, इससे पता नहीं कैसे बचूंगा मैं। ऊपर ही जाना है, ऊपर चलते चलो। और कुछ नहीं है, नेट पानी ऊपर आ रहा है, थोड़ा जल्दी। अरे ऊपर कूदना है, नीचे नहीं। ये देख रहे हो, अरे भाई बोट उलट गई है, टेढ़ी हो गई है बोट। कितनी अच्छी शिप थी, पर नेट के आने के बाद अब देख लो क्या हाल हो गया है। चलने का भी रास्ता नहीं है, नीचे तो और टूट फूट मच। अरे रे रे रे, मुझे सामने ग्लास नजर आ रहा है बड़ा सा, वो अगर टूटा ना पानी एक बार में अंदर आ जाएगा। ग्लास बनाया होगा शोपीस के लिए, लेकिन अब जान जाने वाली उसके वजह से। क्या करना है, नीचे जाना है? क्यों, ऊपर तो जाने का कुछ नहीं नजर आ रहा है, सामने जाना है। ठीक है, ये क्या है? ये लिफ्ट है, लिफ्ट लग रही है। ओ भाई लिफ्ट है। नेट ज्यादा खुश मत हो, नेट खुश हो गया कि चलो कुछ तो सही हो रहा है। देख लिया नेट, ये लिफ्ट पता नहीं किधर जा रही है।
और टूटने वाली भी है, बहुत ही अच्छा नेट, इसीलिए बोला था कहीं पकड़ने का भी नहीं दे रहा है। खुश नहीं होना चाहिए नेट को कभी भी, जैसे ही नेट खुश होता है कुछ उल्टा हो जाता है। नहीं नहीं, और गंदा हो सकता है नेट, नेट बोल रहा है कि और इससे गंदा नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, देख लो। नेट ने खुद कबूल कर लिया कि और गंदा हो सकता है, पानी ग्लास से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर ग्लास में पूरा क्रैक आ गया ना तो गया। पता नहीं इतना ऊपर ऊपर से गिरने के बाद ये आने वाला है मुंह पे। ओ भाई, पहली बार लकी। खतरनाक, भागा जाए यहां से। यहाँ पे गन क्यों दिया, लगता है आदमी आने वाले हैं फिर से। चलो कोई दिक्कत नहीं, भागो यहां से। गोलियां चलने लगी, बहुत अच्छा, ये अभी भी जिंदा है। अरे नहीं, अरे पागल आदमी, नहीं, खुद को भी मरवा दिया और अब मेरी भी बाट लग गई। क्या किया भाई पागल, नेट ने ठीक गाली बकी है। कहाँ कूदता है, मौत से बस कुछ सेकंड्स की दूरी है नेट की, जल्दी भाग, रुकना नहीं है। करंट भी दौड़ने लगा है, अरे कूदो। ये जो बोट थी, आखिरकार बोट में, बोट को मिस कर दिया नेट ने। क्या हुआ, पानी में, अब पता नहीं कहां निकलूंगा मैं, तैरते हुए जाना है क्या, ये पता नहीं क्या लकड़ी का टुकड़ा मिल गया भाई, सही में टाइटैनिक बना दिया है, जैक बन गया नेट तो। तो इस लकड़ी के टुकड़े के सहारे किनारे तक पहुंच चुका है नेट, अभी भी जान बाकी है। खतरनाक आदमी है भाई ये, सुपर हीरो क्यों नहीं है नेट, मेरा सवाल ये है, सुपर हीरो होना चाहिए था। गिद्ध खाने के लिए आया था पता है, गिद्ध सोच रहा था कि नेट मरा हुआ है, चल निकल ले, आज नाश्ता नहीं मिलेगा। विक्टर को अभी तक नहीं बचाया है, यमन में वापस आ गए, मतलब फायदा ही हुआ नेट का। मतलब अभी मरते मरते बचा है नेट, आदमी से पूछ रहा है कि कैसे चल रहा है सब, सही है ना। अब यहां से नेट कहां जा रहा है, इलीना के पास। Yeah, I understand. Can you call me if anything changes? Oh my god. I gotta go. Nate. Hey. I thought this was frowned upon. Shut up. I really thought you were gone this time. Nah. Are you okay? Is Sully? He's alive. Oh, my God. But they've got him. What? Where? They're in a convoy headed into the desert. Oh, we gotta go. No, whoa. No. No, it's not that simple. Come on. गेट मारला, पूरी आर्मी के साथ लेके जा रही है विक्टर सलिवन को. Got at least 2 days head start on us, so we'll never catch up. Oh, we gotta try. Listen, I've got a plan. But we're only gonna get one shot at this. Okay. Elena ke paas plan hai, theek hai? They're loading up a cargo plane at the airport. They're gonna make a supply drop to the convoy. Well, we gotta be on that plane. Exactly. Ek cargo plane supply leke ja raha hai. Tu is baar ye plane mein chadhna hai. You do realize that means parachuting in, right? We've done it before. Not well. Pehle bhi plane wala mission dono ne kiya hai. I could really use a glass of water and then we ought to get going. No. My contact at the airport says that the plane isn't taking off until dawn. In the meantime, just try to get a couple hours sleep. I don't think that's a good idea. Come on. All right? He'll call if anything changes. You're really gonna do all this on your own, huh? For Sully? Yeah. Elena अकेले बचाने जाने वाली थी विक्टर को. I like the way you think. I know. No, I mean that's
I know what you mean. कुछ देर आराम कर रहा है नेट. नेट और इलीना की जोड़ी बहुत अच्छी है. I'm sorry. I know. इन दोनों के बीच में क्या हुआ और ये अंगूठी का क्या चक्कर है, इन सब के लिए भाई अनचार्टेड 1 और 2 खेलना होगा. दोनों का मुझे लग रहा है ना कि लव स्टोरी शायद अनचार्टेड 1 ही से चल रही है और ये अंगूठी का भी कुछ वही कुछ चक्कर है. इस बार प्लेन में मिशन होने वाला है. बोट से निकल के अब सीधा प्लेन पर. अब प्लेन का पता नहीं और खतरनाक मिशन होगा. Don't want to have to use this. I know, but we have to do this quietly. They catch us sneaking onto that plane, we're dead. अगर प्लेन तक पहुंचते हुए देख लिया गुंडों ने तो मार देंगे. तो कब नहीं मारते हैं? प्लेन सामने नजर आ रहा है. ठीक है. नया चैप्टर स्टार्ट. One shot at this. Hey, Nate, over here. I think we can cut through the building. All right, good call. Here, help me lift this. तो इसको उठाने में इलीना की मदद करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा भाई, क्योंकि आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं. हो सकता है कि एक घंटे के ऊपर एपिसोड हो गया हो, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि एक घंटे के ऊपर बनाया करो. तो चलो लगता है कि आज एक घंटे ऊपर हो ही गया होगा. और जाने से पहले आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आज का फाड़ू एपिसोड आप लोग को कैसा लगा. और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट कर लेना. चलो बाय बाय.